नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 स्थाई और 30 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ये मानकर चल रही है, इतनी गिरफ्तारियों के बाद पुराने शहर में अमन चैन पूरी तरीके से बहाल हो जाएगा, लोग नया साल बेहतर तरीके से मना सकेंगे। रीवा सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 स्थाई वारंटियों और 30 गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें, इस समय रीवा पुलिस एक्टिव मोड में, साल की विदाई कम से कम अपराध के साथ देने के मूड में, जिससे शहरवासियों का नया साल बेहतर तरीके से बीते, उसको लेकर गिरफ्तारी की कार्रवाई उसने कुछ ज़्यादा ही तेज कर दी है, जिसके चलते सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह से ही स्थाई वारंटियों की धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा शुक्रवार के दिन से सुबह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें 6 स्थाई वारंटी और 30 गिरफ्तारी वारंटी की करीब गिरफ्तारी की गई। सभी गिरफ्तारियों को न्यायालय में पेश किया गया। हम आपको बता दें, स्थाई वारंटी और सिटी कोतवाली क्षेत्र के वारंटी की गिरफ्तारी काफ़ी मात्रा में हुई। सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय में प्रेस किया गया, जिसमें स्थाई वारंट और 30 गिरफ्तारियां शामिल हैं। वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सिटी कोतवाली में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कौमी गश्त का अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि सुबह 5 बजे से लगातार स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट, फरारी वारंट और 299 के जो अपराधी जिनके ऊपर चालान पेश किए गए हैं, इनके गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके रवाना किया गया था कोतवाली से, जिसमें कि 3 टीम बनाई गई थी। एक टीम में उप निरीक्षक सौरभ सोनी, एक टीम में आर्मी प्रजापति और एक टीम में सब इंस्पेक्टर रावत, और उसके अलावा जो बीट के कर्मचारी हैं उनको अलग से रवाना किया गया था। इस अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस के द्वारा 6 स्थाई वारंट और 30 गिरफ्तारी वारंट, ये काफ़ी बड़ी अच्छी संख्या है, इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी न्यायालय को भेजा जा रहा है। सब अलग अलग थाना क्षेत्र से है? नहीं, सारे अपने कोतवाली क्षेत्र के हैं, कुछ है बिछिया के हैं, इनमें से 2 वारंट जो है वो बिछिया पुलिस के द्वारा पकड़ मुझे दिए गए हैं और बाकी 34 वारंटों को कोतवाली पुलिस ने, कोतवाली क्षेत्र के भी हैं और सिविल लाइन एरिया के हैं या कुछ राटा तरफ के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।